दिल की एक ही पसंद है वो, और उसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। हम आपस में हमारे वोट बटने देंगे नहीं, कटने देंगे नहीं। लोगों का गुस्सा इस सरकार पर है, लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर हुआ है इसलिए पुलिस पे गुस्सा है, और ये शासन ये सरकार अब बदलनी चाहिए, ये लोगों की भावना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और फिलहाल एबी फॉर्म बांटना भी शुरू हो गया है, उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो रहे हैं। हमारे साथ वांद्रेपुर से ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार वरुण सरदेसाई जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वरुण जी, कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि मातोश्री के आंगन में आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप ही के साथ कभी रहने वाले आपके दोस्त आपके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, चैलेंज नहीं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फिर एक बार ये वांद्रेपुरव में हमारा हम जो भगवा है वो लहरा पाएंगे, और इसीलिए अभी हम उत्सुक है, हम लोगों के पास जा रहे हैं। लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, लोगों का अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है, और इसलिए सामने कौन है इसके बारे में ज़्यादा हम सोच नहीं रहे, हम हमारे विचार ये लोगों के पास रख रहे हैं, और लोगों की दिल की एक ही पसंद है वो, और उसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे, और इसीलिए हमें पूरी गारंटी है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत करेंगे। कांग्रेस से जिशान सिद्दीकी ने आज ही राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट में प्रवेश किया है, उनका तो कहना है कि ये सीट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की थी, ये अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चली गई, ये दुर्दैव है, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि वरुण सरदेसाई कौन है, मैंने तो यहाँ पर पूर्व मेयर को हराया था तो मैं और बहुत बड़े वोटिंग परसेंटेज से यहाँ पर जीतूंगा। देखिए, वो कभी कहते हैं कि कभी मेरे अच्छे दोस्त है, कभी कहते हैं वो मुझे जानते नहीं है, ठीक है, वो उनकी उन्हें जो कहना है मुझे उस पर कॉमेंट भी करना नहीं है, पर 2019 में हमारे वो जो जब चुनकर आए थे तब हमारे ही दो कैंडिडेट इस इलेक्शन में लड़े थे, एक रिबेल कैंडिडेट थे एक हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट थे, और हमारे ही वोट बट गए थे। इस बार ये होगा नहीं, इस बार लोगों ने ही तय किया है कि हम आपस में हमारे वोट बटने देंगे नहीं, कटने देंगे नहीं, और हमारे पूरी ताकत हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़ी करेंगे, और इसीलिए मुझे कौन क्या कह रहा है, मेरे प्रतिस्पर्धी क्या कह रहे हैं, जिशान सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। मैं मेरे काम पर फोकस कर रहा हूँ, लोगों पर जाने की फोकस कर रहा हूँ, हमारे जो विचार है वो उनके सामने रख रहा हूँ, और लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन हाल ही में उनके पिता बाबा सिद्दीकी की यहाँ पर हत्या हुई, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी सहानुभूति भी उमड़ आ सकती है, क्या इसका एक बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए, जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर थी, और जिस सरकार में ऐसे समझ में आ रहा है कि 15 दिन पहले ही उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, फिर भी सरकार ने पुलिस ने उस पर कुछ एक्शन ली नहीं, और ऐसी सरकार में अब वो जाके शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने कैसे सोचा ये तो मुझे पता नहीं है, तो आपने उनसे पूछना चाहिए। और इसीलिए लोगों का गुस्सा इस सरकार पर है, ये जो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर हुआ है इसलिए पुलिस पे गुस्सा है, और ये शासन ये सरकार अब बदलनी चाहिए, ये लोगों की भावना है। और सहानुभूति की अगर बात की जाए तो सहानुभूति बेशर्त इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन वो सहानुभूति सिर्फ और सिर्फ मातोश्री के लिए है, उद्धव बाला साहब ठाकरे इस नाम के लिए है। जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिस तरीके से उन्हें गद्दारी कर उनके अपने लोगों ने उनको छोड़ दिया, इस सभी को देखते हुए लोगों की सहानुभूति लोगों की लोकप्रियता ये उद्धव साहब के प्रति है, और इसीलिए मुझे उस बात का कोई ज़्यादा मैं फिक्र नहीं करूँ। लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस चाह रहा था कि इस सीट से वो लड़े, उनका कोई उम्मीदवार हो, क्या आपको लगता है कि सही मायने में ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस आपको मदद करेगी? नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से हमें मदद करेगी, पहली बार हम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए सिर्फ वांद्रेपुरव नहीं, हर एक सीट पर तीनों पार्टियों को लग रहा था कि ये सीट हमें छूटनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की वो भावना होती है, हर एक सीट पर वहाँ के इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उसमें, और कुछ गैर भी नहीं है। पर अभी जैसे जैसे सीट डिक्लेरेशन हो रहा है, सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो रहा है, एबी फॉर्म मिल रहे हैं, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी होगी कि कांग्रेस के अगर कोई कार्यकर्ता हो जो नाराज़ हो, मैं उन तक जाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, और जिस दिन हम 28 तारीख को फॉर्म भरेंगे आप भी देखेंगे, मैं सारे मीडिया को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि तीनों पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ हमारे साथ होंगे। बस आखिरी सवाल कि आप विधान परिषद या राज्यसभा में भी सेफ रूट से जा सकते थे, लेकिन आपने क्यों चुना कि विधानसभा ही लड़ना है और लोगों में जाकर चुनकर आना है? हमारा देखिए ये सपना है कि फिर एक बार उद्धव साहब को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और अगर वो सपना हमें साकार करना होगा तो विधानसभा के ज़्यादा से ज़्यादा आमदार विधायक चुन के लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए हर एक विधानसभा क्षेत्र से अच्छे विधायक आने चाहिए, ऐसे विधायक आने चाहिए जो शिवसेना का नाम बड़ा करे, फिर एक बार उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाए, और इसीलिए हम अब सब
आदित्य जी भी इस रेस में उतर गए हैं, हम भी उतर गए हैं, बहुत सारे युवा शिवसेना के पार्टी की ओर से उतर गए हैं। क्या कांग्रेस और शरद पवार को राजी होंगे इस बात की? देखिए, हम शिवसैनिक है, हमारी ये दिल की इच्छा है कि उद्धव साहब मुख्यमंत्री हो। अब ये सब बड़े लेवल के निर्णय है, वो बड़े नेता लेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे वरुण सरदेसाई जो वांद्रे पूर्व में तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या भगवा लहराएगा ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ ऋतु घालेकर, मुंबई आज तक।